सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में तो दोस्तों आई होप आप स्वस्थ होंगे घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं तो ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस वीडियो में तो आपको कोशिश करना है कि आप फाइव क्वेश्चन अटैम्प्ट कर तो कमेंट में बताइएगा आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं तो इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों तो स्टार्ट होने से पहले लाइक शेयर एंड कमेंट और जो लोग चैनल में नहीं होंगे प्लीज प्रे सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो चलिए पहला क्वेश्चन है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है तो दोस्तों यहाँ पर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है दोस्तों इसके कारण ज्वार और भाटे आते हैं पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं अगला है असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं तो दोस्तों उन्हें कहा जाता है बृहत ज्वार स्प्रिंग कहा जाता है ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों यह क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है ऑलरेडी किसी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं तो निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है तो दोस्तों जो राइन नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है दोस्तों यूपीपीएससी पी एस सी उन्नीस सौ में पूछा जा चुका है क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है अगला क्वेश्चन है वोल्गा नदी कहाँ गिरती है वोल्गा नदी की बात कर लेते हैं दोस्तों तो वोल्गा नदी जो गिरती है कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है वोल्गा नदी अगला है यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों वोल्गा नदी ऑप्शन डी यहाँ पर रहा है है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो कि गिरती है कैस्पियन सागर में जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में पढ़े कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है हमारी वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है दोस्तों अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विशुवत रेखा को दो बार पार करती है विशुवत रेखा को जो दो बार पार करती है दोस्तों जायरे नदी जो कि ऐसी नदी है विशुवत रेखा को दो बार पार करती है ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है पिछले क्वेश्चन में हमने विशुवत रेखा की बात करें जो कि जायरे नदी है दो बार पार करती है और यहाँ पर है मकर रेखा को दो बार पार करने वाली या गुजरने वाली नदी तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को दो बार पार करती है ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अगला है महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित में से किससे होकर नहीं बहती है मेकांग नदी तो दोस्तों मेकांग नदी जो है मलेशिया से होकर नहीं बहती है इसको सिंपली तरीके से हम याद रख सकते हैं माँ से मलेशिया और माँ से मेकांग तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि मेकांग नदी मलेशिया से नहीं बहती है अगला, अगला क्वेश्चन एशिया की विशाल नदी मेकांग नदी जो निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है सेम क्वेश्चन है रिपीटेड है मतलब इंपॉर्टेंट है दोस्तों तो मलेशिया से होकर नहीं गुजरती है मेकांग नदी अगला है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर थर्टी जो है चीन का शोक कहाँ जाने वाली नदी जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है तो दक्षिण अफ्रीका में बहने वाली जो मुख्य रूप से नदी है दोस्तों ऑरेंज नदी जो कि मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है ऑप्शन भी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है सर और आमू नदियाँ गिरती हैं दोस्तों सर और आमो जो की नदियाँ है यह जाकर मिलती है दोस्तों अरल सागर में अरल सागर में जाकर गिरती है दोस्तों हमारी सर और आमो नदियाँ अगला है विश्व की सबसे चौड़ी नदी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो देखिए हमारा क्वेश्चन आ, आ चुका है नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सिंपल क्वेश्चन है अगला है निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिगिस नदियाँ बहती है यूफ्रेटस व टिग्रिस जो कि नदियाँ हैं तो किस देश में से बहती है दोस्तों यहाँ पर हम राइट आंसर की बात कर लेते हैं राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इराक यूफ्रेटस व टिगरिस नदियाँ जो है दोस्तों इराक से होते हुए बहती है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है तो चाड़ चाड़ एक देश है दोस्तों जो कि नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है चाड़ जो कि एक देश है यहाँ पर हमारा ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा अगला है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो हमारी नील नदी हो जाएगी और यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है तो इन चारों में से हमें बताना है कौन सी सबसे लंबी नदी है तो यहाँ पर हमारा अमेजन राइट हो जाएगा दोस्तों जो कि इन चारों में से सबसे लंबी नदी है अमेजन अगला है दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है तो अमेजन नदी जो कि दक्षिण अमेरिका सॉरी अमेरिका है दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगला है उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुज़रती है तो दोस्तों म्यांमार ऐसा देश है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है तो म्यांमार देश, देश से अगला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है तो दोस्तों जो अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील में से बहती है ब्राज़ील जो कि एक देश है दोस्तों यहाँ से अमेजन नदी बहती है ब्राज़ील से ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा अगला है विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों रोग की जो कि है दोस्तों तजाकिस्तान में स्थित है हमारा रोग की जो कि एक सबसे ऊँचा बांध है विश्व में रोग वनस्क्री नाम है इसका और यह तजाकिस्तान देश में स्थित है दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं आसवान उच्च बांध स्थित है आसवान उच्च बांध स्थित है तो दोस्तों मिस्र मिस्र में स्थित है आसवान उच्च बांध अगला है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों तो लंदन जो है दोस्तों थेम्स नदी थेम्स नदी के किनारे स्थित है हमारा लंदन दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है शहर और उनके समीप जो नदियाँ हैं इनसे एक प्रश्न आता ही है खासकर एस में पूछा ही जाता है नदियाँ एवं उनके किनारे बसे नगर से एक क्वेश्चन आता ही है एस में और देखिए यह क्वेश्चन भी एस एस में पूछा गया है तो थेम्स जो है लंदन नदी के किनारे सॉरी जो लंदन है थेम्स नदी के किनारे स्थित है प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है पेरिस तो यह है दोस्तों जो लंदन का शहर है एक पेरिस तो यह सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट right आंसर हो जाएगा अगला प्रश्न है रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है तो यहाँ पर हम रोड रोम की बात करें दोस्तों इटली का पुराना नाम है रोम इटली का जो पुराना नाम है रोम और यह बसा है दोस्तों टाइबर नदी यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है दोस्तों तो दोस्तों ये थे हमारे पच्चीस क्वेश्चन तो आपने कितने अटैम्प्ट किए कमेंट में जरूर बताएँ और क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर भी कमेंट में अं बताए तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा लाइक शेयर एंड कमेंट करें और जो लोग चैनल में नए होंगे सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द आइकन तो मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए गुड बाय